हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिज फैमिली, मेरे पीछे मौजूद है टोयोटा लैंड क्रूजर J250। लोग कहते हैं कि ये टोयोटा प्राडो का नया मॉडल है, बट इट्स नॉट। लॉन्ग व्हील बेस ये गाड़ी है, पुरानी प्राडो से इसका साइज जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। सस्पेंशन को भी रीडिजाइन किया गया है, इसकी जो ड्राइव ट्रेन है उसको भी चेंज किया है। ये है J250। मैं हूँ दानिशान ताफो और आप देख रहे हैं पाकिज। इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं इसके बोनट से। बड़ी बॉक्सी लुक है इस गाड़ी का, जी वैगन हो गई, जिमनी हो गई, उस स्टाइल में गाड़ी इन्होंने जो है ना मैन्युफैक्चर की है। अगर इसके बोनट से नीचे आए तो बड़ी खूबसूरत मेटालिक ग्रे गार्निश है इस गाड़ी की। ये लोगो जब मैं देखता हूँ मुझे 70 सीरीज याद आ जाती है, 70 सीरीज में टोयोटा का ऐसा लोगो आता था। नीचे आ जाए इसकी स्किड प्लेट प्लास्टिक की इन्होंने दी है ऑफ रोडर्स के लिए, इट्स अ ट्रीट। DRL लाइट्स आ गई, यहाँ 3 हैलोजन लैंप्स आ गए आपके। ऐसे अगर आप इस गाड़ी के साइड पे चले, 18 इंच के बड़े खूबसूरत से इन्होंने व्हील्स दे दिए, जो कि ब्लैक के साथ ब्लैक बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी को। ब्रेक कैलिपर देख के आपको अंदाजा होगा कि इस गाड़ी की ब्रेकिंग बड़ी जबरदस्त है। ये कैरेक्टर लाइन इसके बॉक्सी शेप को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है और ज्यादा बॉक्सी लुक दे रही है इस गाड़ी को। आप आते हैं अगर इसके साइड मिरर पे, तो मुझे ये साइड मिरर देखे GMC याद आ जाती है। GMC में ऐसे बड़े बड़े साइड मिरर्स होते हैं। कैरेक्टर लाइन कंटिन्यू होती है, इधर आते हैं आपकी स्मार्ट एंट्री गाड़ी पे। नीचे आप आ जाएं तो ग्रे की इन्होंने गार्निश लगा दी है, फिर आपका फुटरेस्ट आ गया, बड़ी खूबसूरत तरह से वेदर शील्ड जा रही है, फिर ऊपर इन्होंने जो है ना वाइजर दे दिए हैं, रूफ रेल आ गई क्योंकि मुझे बड़ी सॉलिड लग रही है। ये क्वार्टर ग्लास की तरह टिल्ट हो जाता है, जैसे हम मौसम को एंजॉय कर सकते हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करें तो ये पुरानी प्राडो से 8 सेंटीमीटर छोटी है, बट इसका व्हील बेस बड़ा किया तो ये गाड़ी स्पेशियस उससे बहुत ज्यादा है। डिफेंडर स्टाइल में इसकी जो ना उन्होंने टेल लैंप्स दे दिए हैं, पीछे कहीं भी आपको जो है ना वो प्राडो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। इन्होंने डिफ्यूजर यहाँ पे दे दिया है और नीचे एग्जॉस्ट एक दिया है। मुझे बड़ी शिकायत है कि ये 2003-04 की प्राडो वाला लुक दे रहा है। स्पॉइलर देखें, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने एरोडायनामिक का एक कट दे दिया है। अगर इसकी ट्रंक की बात करें तो ये ऑटो बूट है और 408 लीटर का इसका ट्रंक स्पेस है। आराम से बंदा जो है ना इसके अंदर रिलैक्स कर सकते हैं। ये इसकी 7 सीटर सीट्स हैं, दोनों सीट्स ओपन हो जाती हैं। व्हील बेस बड़े होने की वजह से ये गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सवाल ये बनता है कि क्या ये गाड़ी पुराने वाली प्राडो से ज़्यादा टॉर्की और पावर में ज़्यादा होगी? तो यस, ये नई जनरेशन का इंजन है 2.7। छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है इस गाड़ी में, LC200 V8 को V6 कर दिया LC300 की शक्ल में। इसका भी जो है ना इन्होंने इंजन छोटा रखा है, बट इससे मैक्सिमम पावर ये निकाल रहे हैं। तो दिस कार इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 160 हॉर्स पावर, 164 एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर इसकी ड्राइव पे चलता हूँ। अच्छा, अगर इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा इसका इंटीरियर दे दिया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंटीरियर है। सॉफ्ट लेदर दिए, हिस्ट्री में प्राडो की, मैं प्राडो तो नहीं कहूंगा, लैंड क्रूजर की इन्होंने सबसे बड़ी जो है ना ये मल्टीमीडिया दे दी है 14 इंचेस का। और फिर नीचे आए तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी जो है ना AC ग्रिल्स दे दी है, नॉब आ गया, फिर आपके सारे बटन दे दिए इन्होंने AC के, यहाँ से ऑडियो कंट्रोल आ गया इस गाड़ी का। ये एक ऑप्शन है जो इस गाड़ी में बड़ा अलग सा है, अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी की नीचे साइड का पूरा 360 एंगल ये गाड़ी दिखाती है। इस बटन का बेसिकली फायदा ये है कि ऑफ रोडिंग के दौरान कोई चीज ऐसी होती है, कोई ऑब्स्टिकल आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं इसके थ्रू, इस बटन के थ्रू। और ये 360 एंगल भी गाड़ी का फिर दिखाती है पूरा। चार्जिंग पोर्ट दी हुई है, USB पोर्ट दी हुई है, HDMI की एक पोर्ट दी हुई है। फिर हम आते हैं इसके गियर नॉब पे, बड़ा खूबसूरत सा एक स्पोर्टी सा गियर नॉब दे दिया है। यहाँ हैंड ब्रेक का बटन आ गया, ये आपका ट्रैक्शन बटन आ गया, साथ यहाँ आपके 4x4 का जो है ना ये बटन आ गया। इसके सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो इसमें कूल बॉक्स होता है, ये गाड़ी आई थिंक विदाउट कूल बॉक्स वाली है। अच्छा, अगर पीछे जाएं तो पैसेंजर्स के लिए इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल सेपरेट दिया हुआ है और ये चार्जिंग की पोर्ट्स दी हुई हैं। और अगर इस गाड़ी की एयरबैग्स की बात करें तो 9 एयरबैग्स हैं इस गाड़ी में टोटल। और इसका साउंड सिस्टम JBL का साउंड सिस्टम है इस गाड़ी में, स्पेसिफिकली इस गाड़ी में। इस साइड पर अगर मैं देखूँ तो इन्होंने पार्किंग सेंसर्स के बटन दिए हुए हैं, आपकी मीटर की लाइट्स आप कैसे कर सकते हैं एडजस्ट, और आपका जो है रडार जो है वो भी इधर ऑप्शन दिया हुआ है। मैनुअल क्लस्टर को कह दिया है टोयोटा लैंड क्रूजर ने बाय बाय। डिजिटल स्क्रीन दे दी है बड़ी खूबसूरत सी, मोड आप चेंज करते हैं तो उसका डिस्प्ले चेंज हो जाता है। अब इस गाड़ी को लेके चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पे और इसकी पावर भी चेक करते हैं और कंफर्ट भी चेक करते हैं, देखते हैं गाड़ी क्या परफॉर्म करती है और कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है फराज भाई, ठीक ठाक है? ठीक है, आ जाए अपनी गाड़ी आप चलाएं। ये पहली गाड़ी है ऑटोमोबाइल की, आप नहीं चलाएंगे तो मजा कैसा है? चेक करें फिर इसको, चलाएं आप, चलाएं इसका रोड टेस्ट करके देखते हैं। फराज भाई क्या सोचती है आपको जो इतनी जबरदस्त गाड़ियाँ मंगवाते हैं और फिर हमें बारिशों में बुला लेते हैं? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है उस हिसाब से ये गाड़ी तो आपको पता है जी, जबरदस्त इन्होंने एक नया लैंड क्रूजर निकाल दी 250 जी वैगन और जिमनी और उन टाइप की ऐसे ही वैसे ही बिल्कुल ऐसी टाइप का स्टाइल दिया इन्होंने। मुझे ये पता है इस गाड़ी की कॉस्ट क्या पड़ी है, अगर कोई आज बायर है वो लेना चाहता है ये गाड़ी? ये हम लोग तो इसके 7 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की पहली है या नहीं? पहली है। अच्छा फराज भाई, मैं मुझे याद पड़ता है इसी रोड पे आपने जी वैगन चलाई थी, हम साथ पैसेंजर बैठे हुए थे। बिल्कुल है, सही तो है। उसके बाद मेरे पिता का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा मैं समझता हूँ कि ये लैंड क्रूजर जो है J250 ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है उससे। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है,
इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे कितना डिजिटल पे चले गए। पावर के हिसाब से आपको क्या फील आ रहा है? मुझे तो बहुत मुनासिब पावर लग रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैसिव पावर है इसमें। नहीं, गाड़ी देखें, जैसे हम ये डेली ड्रिवन गाड़ी यूज़ हो सकती है, ठीक है, डेली ड्राइव के लिए आप बंदा यूज़ कर सकता है। पावर का मुझे लगता है कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत है पावर। आप तो खैर रेसे वैसे बहुत करते हैं, आपका पावर का वो एक दूसरा है। और मैं एक बात बता दूं, गाड़ी कंफर्टेबल भी बहुत है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल। अगेन मैं बोलूंगा, जी वैगन में हम गए थे, आपको भी याद होगा फराज भाई, बिल्कुल बम्पी राइड थी, वो थोड़ा सा स्टिफ है, आपको पता है जर्मन गाड़ी का कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और है। स्पेशियस ये गाड़ी मैं देख रहा हूं ज्यादा है, आपका डैशबोर्ड आपसे दूर है। वैसे तो देखें, जो 7 करोड़ की गाड़ी लेगा उसके लिए ये बहुत बनी सा क्वेश्चन है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की क्या है? ये इसकी 8 से 9 का ये एवरेज देगी गाड़ी ना, which is good, which is very good। आप इस टाइप की जीप के लिए, इतनी बड़ी फुल साइज जीप के लिए अगर आप ये एवरेज है तो बहुत अच्छा है। वरना मुझे ZX है, जैसे लैंड क्रूजर है, वो देती है 5-6 और अगर आप बहुत अच्छी मेंटेनेंस करते हैं तो 6.5-7 मैक्सिमम, तो ये 9-9.5 तो दे रही है एवरेज अभी। फराज भाई थैंक यू वेरी मच यार, आप लोग जो है ना जब नई गाड़ियाँ आती हैं, स्पेशली थैंक्स टू इरफान, फौरन हमें बोलता है कि आके रिव्यू कर लें और ऐसी गाड़ियाँ मंगवाते रहें खूबसूरत खूबसूरत सी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, अब मौसम में अल्लाह साथ दे, आज तो भीगे भीगे बैठे हैं, बहुत अच्छा मौसम। पाक व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इसका प्राडो और LC300 का कंपेरिजन देखना चाहते हैं तो उसकी भी अगली वीडियो आने वाली है, वो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।